न्यूज प्लस चैनल की सीधी बात में आप सबका स्वागत है। मैं हूं जीतू भाई पंड्या। आज हमारे गुजरात के एक बड़े अखबार गुजरात समाचार में एक हेडलाइन है, कहा गया है कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस की जो हार हुई उसका कांग्रेस ने विश्लेषण किया और बात यह तय हुई कि यूपी में मुस्लिम कोटा हार की वजह राहुल गांधी। राहुल गांधी ने कहा कि मुस्लिम कोटा की जो बात यूपी के चुनाव के दरमियान छेड़ी गई उसी की का बदौलत कांग्रेस की हार हुई है। जब यूपी का चुनाव चल रहा था, मेरा ये हिंदी संस्करण नहीं चल रहा था, मैं हिंदी में नहीं बात कर रहा था और गुजराती में बात कर रहा था। मैंने बार बार कहा कि यूपी का चुनाव भारत की राजनीति का बड़ा सीमा चिन्ह है, कोई बड़ी बात बनने जा रही है। और मैंने उसी समय कहा था और चुनाव के बाद भी कहा था कि यूपी के ये चुनाव बड़े अहम है। अब सबसे पहले नतीजे भी आ गए हैं। अब नतीजे पर कांग्रेस ने चर्चा करी, राहुल गांधी ने यूपी के सब नेताओं को बिठाकर बात करी, बहस छेड़ी गई कि क्यों हारे हम। चलो अच्छी बात है कि बहस भी छिड़ती है कांग्रेस में। नेताओं को कार्यकरों को राहुल गांधी ने पूछा कि हम क्यों हारे, तो उसका एक जो सबसे बड़ी वजह बताई गई वो बात है कि यूपी में मुस्लिम जो कोटा है वो बात ने हमें हरा दिया। सबसे पहले मैं यूपी के चुनाव का विश्लेषण करना चाहूंगा। यूपी के चुनाव में कौन पक्ष जीता कौन पक्ष हारा वो बात छोड़ दो, मेरा एनालिसिस ये है कि यूपी के चुनाव में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे हार गए। अन्ना हजारे और टीम अन्ना की यूपी के चुनाव में बिल्कुल हार हो गई। क्यों हार हो गई? क्योंकि जो जन लोकपाल बिल था, जो राज्यसभा में आया हुआ था, जो पारित करने की बात चल रही थी, रात को 11:15 बजे वो बिल की कॉपी लेकर मिनिस्टर के हाथ से समाजवादी पार्टी के एमपी ने वो छीन ली, उसे फाड़ दी, हंगामा खड़ा कर दिया। और ये मिलीभगत थी कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत थी और वो बिल फेल हो गया, राज्यसभा में नहीं पारित हो पाया। तो राज्यसभा में बिल पारित होते हुए जिसने रोका वो समाजवादी पार्टी तो 215 से भी ज्यादा सीट लेके जीत गई, सबसे बड़ी पार्टी बनके नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल गई उन्हें। तो ये अन्ना की हार है, रामदेव जी की हार है। दूसरे नंबर पे रही बहन जी मायावती जी। अब यूपी की इतनी भ्रष्ट सरकार जिसके 8 मिनिस्टरों को तो डिसमिस कर दिया गया और बाकी बहुत सारे बचे थे, तो ये भ्रष्टाचारी यूपी की सरकार दूसरे नंबर पर आई, 100 सीट लेके आई, मतलब साफ है कि लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मत नहीं दिया। कांग्रेस की सीट 4-5 सीट बढ़ी जिसके खिलाफ अन्ना रामदेव खड़े थे, तो वो उन्होंने उनकी सीट में बढ़ोतरी हुई, भले बिल्कुल मार्जिनल बढ़ोतरी हुई मगर बढ़ोतरी हुई। और जो अन्ना के ठेकेदार बन के घूम रहे थे भाजपा, उनकी सीटें जो थी उसमें कमी हुई। तो एक कोई भी स्टैंडर्ड से देखा जाए, कोई भी मापदंड लेके देखा जाए, तो टीम अन्ना और बाबा रामदेव की भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट थी वो यूपी में फेल हो गई। लोगों ने उसके पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। भ्रष्टाचारियों को हटाना है ऐसा कोई संकल्प यूपी के चुनाव में से नहीं दिखता। तो पार्टी तो समाजवादी पार्टी जीत गई, ठीक है, कांग्रेस हार गई, बुरी तरह हार गई, ठीक है, मगर बाबा रामदेव या अन्ना हजारे की कोई बात यूपी में नहीं चली, वो बात बिल्कुल साफ हो गई। अब बात करते हैं यूपी के चुनाव की।
मैंने चुनाव जब चल रहे थे तब कहा कि अगर इस बार कांग्रेस आखिरी दांव खेल रही है, 22 साल से यूपी में वो जीत नहीं रही है, बाबरी ध्वंस के साथ कांग्रेस का भी यूपी में ध्वस्त हो गई, कांग्रेस भी ध्वस्त हो गई, वो भी गिर गई। जो वो यूपी जहां 85 सीटों में से कांग्रेस ने 84 सीट जीत ली थी, वो यूपी में आज हालत ये है लोकसभा की, तो आज यूपी में हालत ये है कि वो चौथे नंबर की पार्टी बन के खड़ी है। तो पिछले 20 साल से कांग्रेस एक प्रयास कर रही है, उन्होंने सिख समुदाय पे जो अत्याचार किए थे, कांग्रेसियों ने जो 7-8 हजार सिखों की हत्या कर दी थी, उसका प्रायश्चित भी कर लिया, सिखों के साथ समझौता भी कर लिया, सिखों को मना भी लिया। बाद में पंजाब में कांग्रेस की सरकार भी बन गई, उन्होंने मनमोहन सिंह को बड़ा प्रधान बना के सिखों की जो कुछ बाकी शिकायत थी वो भी दूर कर दी, मगर मुसलमानों के साथ वो पेचअप नहीं कर पा रही है। मुसलमानों के साथ जो कांग्रेस की तलाक हो गई, वो अब कांग्रेस उसे फिर से मना नहीं सकती है। हुआ ये कि जब बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया, कांग्रेस की सेंट्रल में गवर्नमेंट थी और नरसिम्हा राव जैसे विचक्षण पुरुष मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में नरसिंह राव जैसे महान पुरुष विचक्षण पुरुष हुए नहीं है, बहुत कम हुए हैं। तो नरसिंह राव को पता था, नरसिंह राव जानते थे, और मैं तो कहता हूं नरसिंह राव के आशीर्वाद से ही ये बाबरी मस्जिद ध्वस्त हो गई। मैं समझता हूं, मैं यहां तक कहता हूं कि भाजपा ने चाहे कितने भी अरमान रखे हो, भाजपा ये मस्जिद नहीं तोड़ सकती, आरएसएस नहीं तोड़ सकती थी, शिवसेना नहीं तोड़ सकती थी। अगर टूटी है, तुड़वाई गई है, तो नरसिंह राव के आशीर्वाद से ही टूटी है। तो ये बात मुसलमान भी समझने लगे कि जो मगर के आंसू बहा रही है कांग्रेस और उनके डाइवर्स हो गए। अब कांग्रेस 20 सालों से अपने ये जो मतदार है उसे समझाने की कोशिश कर रही है, उन्हें बार बार एक या दूसरे रूप से तोहफे भेज रही है, मुसलमानों को खुश करने के लिए कोई भी हद तक कांग्रेस गई। चुनाव डिक्लेयर हुए यूपी के, उसके चंद घंटों पहले उन्होंने मुसलमानों को अनामत दी। यूपी के जो बढ़ाई करने वाले हैं, बनकर जो है यूपी के, उसके लिए करोड़ों रुपए की लोन माफी की स्कीम बनाई, ज्यादातर वो मुसलमान है। सब कुछ किया, जितना कर सकती थी कांग्रेस उतना किया, मगर नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस जितना मुसलमानों को खुश करने के लिए कोशिश कर रही है, मुसलमान तो नजदीक आते नहीं है, मुसलमानों के मत तो बढ़ते नहीं है। मुसलमान ने जो कांग्रेस का बायकॉट किया है उसमें कोई फर्क आता नहीं है, और दूसरी ओर बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश में मुसलमानों को वो हिंदुओं से दूर जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ये फीलिंग बढ़ रही है कि कांग्रेस बिन सांप्रदायिक पार्टी न होते हुए कांग्रेस अब बिल्कुल मुस्लिम लीग बन गई है, ये फीलिंग रही। और कांग्रेस ने बार बार ये प्रयास भी किया, आंध्र प्रदेश में वाईएसके की सरकार बनी रेड्डी की, उन्होंने चुनाव में वचन दिया था कि हम मुसलमानों को रिजर्वेशन देंगे, सबसे पहला रिजर्वेशन वही शुरू हुआ कांग्रेस के राज में। उन्होंने एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में सौगंध विधि कराई, मुख्यमंत्री के जो सौगंध लिए वो जाहिर सभा में लिए। अब कैबिनेट के मिनिस्टरों ने अभी सौगंध ली है और वही रिजोल्यूशन पास हो गया बिना मीटिंग,
जाहिर सभा में ठहराव हो गया कि हम मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन देंगे। अब हंसने की बात यह है कि कोई मुसलमान रिजर्वेशन नहीं मांग रहा है, किसी मुस्लिम संगठन ने ठहराव नहीं किया था कि हमें रिजर्वेशन मिले। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि मुसलमानों को आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, बंधारण के बाहर है। इतना होते हुए भी और फिर ये वाईएस के रेड्डी हारे, आंध्र की हाईकोर्ट में हारे, सुप्रीम कोर्ट में हारे, फिर भी ठहराव पे ठहराव कर रहे हैं। तो मुसलमान नहीं मांग रहे हैं, वो भी देने के लिए कांग्रेस तैयार है। मगर मैंने ये चुनाव में कहा था कि अब कांग्रेस की बर्दाश्त की हद आ गई है। आज ये जो हेडिंग है कि यूपी में मुस्लिम कोटा की वजह से हम हारे राहुल गांधी, तो आप आगे पढ़ लो, इसमें लिखा नहीं है मगर आप पढ़ सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो थिंक करेगी, इसके पर विचार करेगी कि कब तक हम मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को नाराज करते रहेंगे। मुस्लिम मत तो आते नहीं है और हिंदू मत हाथ से फिसल रहे। कांग्रेस के अस्तित्व का सवाल अब आ गया है, उन्हें अभी तय करना है। राहुल गांधी की मीटिंग में जो बहस हुई वहां तो नहीं बात हुई होगी, बात नहीं छेड़ी गई होगी कि हम अभी मुसलमानों को खुश करना बंद कर दें, एपीसमेंट बंद कर दे मुसलमानों का। मगर जो टॉप लीडरशिप जब बैठेगी तब ये बात जरूर उठेगी कि कब तक हम हारते जा रहे हैं, हमारा जनाधार फिसल रहा है, हम सिकुड़ते जा रहे हैं, कितने स्टेट हमारे हाथ से चले गए। अभी जो चुनाव आने वाले हैं गुजरात में आने वाले हैं, तो हम क्या अभी भी ये मुस्लिम एपीजमेंट चालू रखे या फिर हिंदुओं की और थोड़े झुके, हिंदुओं को ये संदेशा दे कि नहीं हम बिन सांप्रदायिक है मगर हम मुस्लिम तरफी नहीं है। गुजरात में यह संदेशा देने की कोशिश शुरू ही है और बड़ौदा से शुरू हुई है। यहां की कांग्रेस ने बड़ौदा में एक सुरसागर करके तालाब है जहां गणपति का विसर्जन होता है, वहां ताजिया का भी विसर्जन होता है। मगर उन्होंने ये बात उठाई कि जहां गणपति का विसर्जन होता है वो तालाब में कॉरपोरेशन कैसे गंदे नाले के पानी छोड़ रही है, कैसे गटर के पानी छोड़ रही है, उसका शुद्धिकरण की बात भाजपा नहीं कर रही, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कर रही है। अब ये बात तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि बड़ौदा कांग्रेस में गुजरात कांग्रेस को पूछे बिना ये बात उठाई हो और गुजरात कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस को पूछे बिना हिंदुओं के लिए कोई बात उठाई हो। ये पहली बार देख रहा हूं कि कांग्रेस हिंदुओं के लिए बात कर रही है, हिंदू धर्म की बात कर रही है, हिंदू देव देवता की बात कर रही है, हिंदू मंदिर की बात कर रही है और हिंदू जिसे पवित्र नदियां कहते हैं वहां से पानी लाया जाता है उसका अभिषेक किया जा रहा है सुसागर में, रोज यात्राएं निकल रही है, गली गली यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, दबे सुर से कह रही है कि यहां ताजिया का भी विसर्जन होता है, तो उन मुसलमानों की भी इसमें जो फीलिंग्स है वो हर्ट होती है। मगर वो दबे सुर से कहा जाता है, बात गणपति की कर रहे हैं। तो हो सकता है कांग्रेस को, मैंने पहले भी कहा था कितनी बार, अगर हम कोई लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं हम बार बार उसे मना रहे हैं, अभी उम्र गुजर गई 40 साल हो गए 45 साल हो गए और वो लड़की हाँ नहीं कह रही है, तो अब दूसरे से विवाह के बारे में सोचना पड़ेगा। कांग्रेस सोच रही है, अब मैं कह रहा हूं, मैं मान रहा हूं और मैं पहले से कहता था कि कांग्रेस यूपी में हारी तो मुसलमानों का हाथ छोड़ सकती है, मुसलमानों से थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश शुरू कर सकती है। कब होगी पता नहीं, कोई जाहिरात नहीं की जाएगी कि हम अभी मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। मगर आपको याद होगा कि राजीव गांधी ने
गंगा शुद्धिकरण की बात की थी। गंगा शुद्धिकरण के लिए करोड़ों रुपये खर्च भी किया था, अथॉरिटी बना के बिठाई थी। तो कांग्रेस ने उस समय भी हिंदुओं की बात करना शुरू की थी, फिर वो बात दब गई, ना गंगा शुद्ध हुई ना अथॉरिटी का क्या हुआ, पैसे तो हजम हो गए। मन कांग्रेस ने भाजपा से मुद्दा छीनने के लिए राजीव गांधी ने दो बात करी थी। कहते राजीव गांधी ने मंदिर के द्वार खोल दिए, क्योंकि भाजपा पोस्टर लगाती थी, जेल बताती थी, रामचंद्र जी को जेल में बताती थी कि हमारे रामचंद्र जी जेल में है, ताले लगे हुए हैं। तो राजीव ने कहा ताले ही हटा दो, तो ताले हटाए गए। राजीव जी ने यह भी ट्राई किया कि गंगा जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र नदी है, मां के समान है, उसे शुद्धिकरण की बात तो करो, तो वो बात भी हुई थी। अब मुझे लगता है कि एक नया माइलस्टोन खड़ा हुआ है, एक नई बात खड़ी हुई है, और आज मैंने जो चुनाव के टाइम पे कहा था वो आज मुझे अखबार में दिख रही है कि कांग्रेस थोड़ी सही सेक्युलर होगी, वो मुसलमानों के खिलाफ साजिश तो नहीं करेगी, हिंदुओं को प्लीज करने की कोशिश शुरू करेगी, हिंदुओं के लिए बात करना शुरू कर देगी, और गुजरात के चुनाव को देखते हुए ये जरूरी भी है। तो सीधी बात में आज बस इतना, कल हम फिर मिलेंगे।